हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में बाबू हिंदी जो हम लोगों का गोधूली है उसका चैप्टर दो पढ़ेंगे। चैप्टर वन हम लोग पढ़ लिए हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, आज हम लोग चैप्टर दो पढ़ेंगे बीस के दांत। और बीस के दांत जो बाबू पाठ है इसको किसने लिखा है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। और देखिए हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक कहानी की तरह है। अगर आपको कोई कहानी पढ़ के बता देगा तो आपको उससे जो भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको कहानी मालूम नहीं रहेगा तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो यहाँ पर कहानी आपको बताया जाएगा जो पाठ में लिखा गया है उसे अगर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, उसके बाद उसमें से कोई भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा 20 के दांत में एक खोखा है। अभी कितने बच्चों को पता होगा कि खोखा कौन है कौन नहीं है, अभी जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा। तो बाबू क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बस ये कहानी की तरह, हिंदी मान लीजिए कि एक कहानी है, अगर हम लोग इसे पढ़ लेंगे इस पाठ को तो जहां से भी मन करेगा। देखिए बुक से आपका मतलब लगभग आपका 45 क्वेश्चन बुक से आता है, अगर हिंदी आप लोग बुक पढ़िएगा तो 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से आता है और उसके बाद सब्जेक्टिव आता है वो अलग से आता है। तो आप लोग कैसे, बस एक कहानी है, एक बार कहानी पढ़िए जीवन भर याद रखिए, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, टाइम टेबल नहीं है, किसका टाइम टेबल नहीं है भाई, सदाम शेख रजनीश बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे एक बार आप लोग जोरदार लाइक कर दीजिए और एक बार आप लोग थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि ये क्या हो स्पष्ट आपको दिखे, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा छोटा है, ठीक है। ब्यूटी बहुत ही बढ़िया, सुबह में क्लास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अब होगा। एजुकेशन गर्ल जय हिंद बहुत ही बढ़िया, ब्यूटी गगन बहुत ही बढ़िया। तो बाबू रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए। ज्योति कुमारी यहाँ पे देखिए क्लास हम देखिए हिंदी को आपको क्या करेंगे, पढ़ के समझा देंगे, ठीक है। आप लोग उसके बाद जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप लोग एकदम 100% बता दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 83 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, या व्हाट्सएप पे आप लोग हाय लिख के भेज दीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को बाबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और देखिए पहले ही आता है जब आप लोग पढ़िएगा तो इसमें लेखक परिचय आएगा, ठीक है। लेखक का इसमें परिचय करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि लेखक कौन है, क्या लिखे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और लेखक का जो परिचय होता है बाबू पाठ से पहले इसमें क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो पाठ दो बाबू कहानी है 20 का दांत, कितने बच्चे जानते होंगे, जिसके लेखक कौन है बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, फोटो वहां पे लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं उसके बाद कहानी को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिये नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1996 को हुआ, ये पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1996 को हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। दो ऑब्जेक्टिव यहां से हो गया, ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पे हुआ कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, अगर क्वेश्चन आएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां पे हुआ तो पटना के बदरघाट में हुआ। अगर राज्य पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ, तो बाबू पटना कहां है, तो बिहार में है, आपको याद रखना है बिहार में हुआ। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव, जो जन्म भोजपुरी भाषी थे, यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे ये भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी बोलते थे, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विज्ञान महामुद्ध उपाध्याय राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी इनके पिताजी का नाम क्या था बाबू, तो पंडित राम अवतार शर्मा था। ये एक ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम क्या है, राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या होता है बाबू, सबसे बड़े लड़के थे। माता का नाम बाबू, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, ये पांचवा ऑब्जेक्टिव इसे से बना कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है बाबू, तो रत्नावती शर्मा था, ये आपको याद रखना है, ये पांचवा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया,
उनके व्यक्तिगत निर्माण उनके पिता के साथ उनकी प्रगति सी यहाँ पर देखिए उनके पिता के पंडित और यहाँ पे उनकी देखिए उनके साथ की उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेज स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है, यहां से यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि उन्होंने एमए कहां से किया, तो पटना विश्वविद्यालय से। लेकिन यह आता नहीं है, लेकिन आएगा तो फिर क्या कीजिएगा, आपको ये याद रखना है। इतना ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए उसके बाद आप लोग यहां पर देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया था बाबू, एमए किए थे। ठीक है, संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। देखिए उन्होंने जब पढ़ लिख लिए तो अध्यापक बने कहाँ के, तो हर प्रसाद जैन कॉलेज के आरा रांची विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे और बाद में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। और देखिए सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। अब ये ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, इसे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा है वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कब अध्यक्ष चुने गए, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1959 में चुने गए थे, ये आपको बाबू याद रखना है। बस कहानी कहानी है, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते चलिए, ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं समझना है। ठीक है, और उनका मृत्यु देखिए कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। ये भी ऑब्जेक्टिव है बाबू, ये क्वेश्चन आता है। इस पद पर बने रहे मतलब इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे थे वो। अब देखिए हिंदी कविता में प्रधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं इस प्रकार है। अब उनकी जो रचना है बाबू, क्वेश्चन आता है उनकी रचना क्या है बाबू, दृष्टिकोण। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो पूछेगा कि दृष्टिकोण किसने लिखा है, तो अगर आप लोग बुक पढ़े रहिएगा काफी अच्छी तरीके से तभी आप लोग बता पाइएगा कि दृष्टिकोण किसने लिखा है। तो दृष्टिकोण किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साहित्य का इतिहास दर्शन ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। और मानदंड ये भी किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। उसके बाद देखिए हिंदी उपन्यास इन्होंने लिखा है, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना में इन्होंने क्या लिखा है कि आलोचनात्मक ग्रंथ, यहां पर देखिए और आलोचना आलोचनात्मक ग्रंथ 20 का दांत है और 17 यहां पे असंग्रह और यहां पर देखिए पूर्व छोटी कहानी। अब यहां पर देखिए कहानी ग्रंथावली, कहानी ग्रंथावली इन्होंने कहानी में क्या लिखा है, तो कहानी ग्रंथावली लिखा है। अयोध्या पर यहां पर देखिए अयोध्या प्रसाद खत्री का स्मारक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और उसके बाद देखिए संत, यहाँ पर देखिए संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं इनका, मतलब जो जो ये ग्रंथ लिखे हैं यहाँ पे लिख दिए। लेकिन आपको याद रखना है यही कि दृष्टिकोण किसने लिखा है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है, मानदंड किसने लिखा है, ये तीनों के तीनों आता है बाबू, पूछा जाता है। तो ये तीनों के तीनों किसने लिखा है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। बस इनके बारे में हमको क्या करना है बाबू, थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उन्होंने संपादित ग्रंथ लिखा है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना यहाँ पे देखिए आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रह लेखक थे। उनमें से प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली के निषेध तथा आधुनिक दृष्टि के समर्थन थे। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यानी यहाँ पे लेखकों का मानना है कि बाबू जो आलोचना है, मतलब अगर किसी का आलोचना करना है तो आलोचना सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया था। और कैसे किया था, तो कविता लिख लिख के लोगों की आलोचना किए थे, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ज्यादा अब यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, बस इनके बारे में जो है बस वही जानना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी से संग्रह
संग्रह से ली गई है। अब देखिए जो 20 के दांत कहानी है बाबू, ये कहां से लिया गया है, यही हम लोगों को पढ़ना है। 20 के दांत, 20 के दांत कहानी कहां से लिया गया, ये ऑब्जेक्टिव आता है। तो 20 के दांत बाबू जो कहानी है वो कहां से लिया गया है, तो यहां पर देखिए कहानी संग्रह से लिया गया है। कहां से लिया गया, क्वेश्चन आएगा कि 20 के दांत कहां से लिया गया है, तो कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशाएं भी हैं। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक ही ओर एक यहां पर देखिए एक ओर सेन साहब जैसे एक उच्च श्रेणी के उभर यहां पर देखिए सेन साहब की जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भाग देखिए लिंग भेद जैसे यहाँ पे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी ओर गिरधर जैसे यहाँ पे देखिए नौकरी पेशी निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव लिंग भेद आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणों को उभारती है। सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बनाई पेशा यहाँ पे देखिए बानगी पेशा करती है। अब देखिए इसमें कुछ कहानी का यहाँ पे अंश लिखा गया है। इसमें क्या है तो एक सेन साहब है जो बहुत अमीर आदमी है, उनके अंदर क्या है बाबू अपने बच्चों से भेदभाव करते हैं, लड़की से अलग पेश आते हैं, अपना बेटा से अलग पेश आते हैं, ठीक है। और वहीं पे एक है एक मतलब नौकरी करने वाला व्यक्ति है गिरधर लाल, जो मतलब बड़े लोग के ऊपर से जो बंदिश लगाया गया है उसी में वो क्या हो रहा है जगड़ते जा रहा है। तो बस बाबू इसमें ज्यादा नहीं था, बस कहानी का थोड़ा सा सारांश था और लेखक का क्या था बाबू इसमें विचार था। तो सबसे पहला यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बताया है बाबू उसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव जब हम आपको बताएंगे तब जितना भी इसमें का ऑब्जेक्टिव है वो लिख के हम क्या करेंगे आपको पढ़ा देंगे और आप लोग बना दीजिएगा। अब हम लोगों का कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से 20 के दांत, ठीक है। अब आप लोग कहानी ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम कहानी है एकदम 100% समझ में आएगा, लंबा है लेकिन आप लोगों को जल्दी जल्दी हम आपको बता देंगे। ये देखिए 20 का दांत कहानी है, ये पाठ 2 है। 20 का दांत किसने लिखा है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, कहानी है, आप लोग समझिए। और जो ऑब्जेक्टिव होगा बाबू हम यहीं पर बता देंगे, उस पर आप लोग को उस लाइन पे ध्यान रखना है। तो देखिए सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमचमाती हुई एक्सट्रीम इंड जैसे कोयल घोसला में कि कब उड़ जाए। अब देखिए जो सेन साहब है बाबू सेठ आदमी है, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, मतलब उनके पास कंपनी है, उसमें लोग काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। सेन साहब के एक मोटर कार है, बंगला में एक मोटर कार है जो बरसाती, यानी जो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के लिए घर नहीं बना देते हैं, गाड़ी के लिए घर बनाते हैं उसे बरसाती बोलते हैं, उसी में क्या है गाड़ी खड़ी हुई है। और गाड़ी कैसी है ये क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की जो गाड़ी है वो किस कलर की है, तो सेन साहब की जो गाड़ी है बाबू आपको याद रखना है काली कलर की, याद रहेगा। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी तो काले रंग की थी, ठीक है। कौन सी गाड़ी थी बाबू सेन साहब की तो आपको याद रखना है एक्सट्रीम इंड, ठीक है। यहां पे देखिए एक्सट्रीमल इंड क्या लिखा है भाई, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीमल इंड जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिटका हुआ है जैसे कोयल घोसला से उड़ जाए। अब यहाँ पे देखिए सेन साहब को इस कार पर नाज है, जो सेन साहब है उसको इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल है और 7,500 में आई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कितने में आई थी, ये ऑब्जेक्टिव है। तो सेन साहब की जो मोटर कार है ये 7,500 में खरीदी गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की मोटर कार कितने में खरीदी गई थी तो 7,500 में खरीदी थी, और किस रंग की थी तो काले रंग की थी, ठीक है। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, मतलब उस गाड़ी में ऐसी चमक है उसकी गाड़ी पर अगर ताका जाए तो उसमें अपना चेहरा दिखाई दे देगा, मतलब इतना उसमें चमक था, काले रंग की थी, ठीक है ठीक है।
कहीं पर एक धाग, यहाँ देखिए कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत समझ लो। अगर गाड़ी पे कहीं भी अगर कहीं पे दाग धब्बा लग जाएगा तो जो क्लीनर है, क्लीनर का मतलब यानी जो गाड़ी साफ करने वाला है उसे बोलते हैं क्लीनर उसका। और जो सोफर, सोफर का अर्थ पूछता है कि बाबू सोफर का अर्थ क्या है, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है। तो क्लीनर और सोफर की सामत नहीं है, मतलब उसको बहुत डांट पड़ेगा कि गाड़ी कैसे रखे हो कि यहाँ पे दाग धब्बा पड़ गया, यानी गाड़ी को पूरा जी जान से चाहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मेम साहब की सख्त ताकीद है यानी आदेश है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न भटक पाए, यानी जो मेम साहब हैं, मेम साहब कौन है बाबू, तो सेन साहब की पत्नी है मेम साहब, ठीक है। तो सेन साहब की पत्नी यानी मेम साहब का आदेश है बाबू, ताकीद है कि खोखा खोखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बाबू कि ऑब्जेक्टिव में कि खोखा खोखी का मतलब क्या होता है, तो खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची, आपको याद रखना है। और खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है बंगला भाषा का, बंगाली भाषा जो होता है उसमें खोखा बच्चा बच्ची को क्या बोला जाता है, खोखा खोखी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। खोखा खोखी गाड़ी के पास ना भटक पाए, अगर खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकेगा तो उसको छुएगा, गंदा करेगा, तो ये मतलब गाड़ी का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट आप लोग देखिए आगे अब क्या लिखा गया है, आगे अब यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से आप लोग देखिए, लड़कियां तो पांच बड़ी सुशील हैं, पांचों के पांच ठहरी और यहाँ आप देखिए ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज से जीती जागती मूरत है। अब देखिए मिस्टर सेन साहब जो थे उनकी कितनी बेटियां थी, ये भी ऑब्जेक्टिव बात है, तो मिस्टर सेन साहब की कितनी यहाँ पे लड़कियां थी, तो पांच लड़कियां थी, और जो पांचों के पांच लड़कियां थी एकदम मतलब सुशील, मतलब संस्कारी लड़की बोला जाता है, बिल्कुल ऐसी संस्कारी लड़की है, ठीक है, संस्कार की और तहजीब और तमीज की वो जीती जागती मूरत है, बहुत ही अच्छी लड़की, उनकी जो आदत है बाबू बहुत अच्छा है। मिस्टर और मिसेज सेन उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं हो, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी देखिए उसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, और उनके इस और उनको माता पिता के इस बात पर गर्व है। अब देखिए उनको मतलब मिस्टर सेन और मिस्टर सेन साहब की जो वाइफ है उनसे सिखाया गया है कि मतलब क्या करना है ये नहीं सिखाया गया है, लेकिन क्या नहीं करना है, मतलब क्या गलत काम है वो आपको नहीं करना, वो सिखा दिया गया, यानी जो संस्कार है बाबू बहुत अच्छी से दिया गया है। और जो लड़कियां हैं बाबू ये क्या है, कठपुतलियां हैं, इनको बोला जाएगा कि उठ के अभी यहां जाओ तो लड़कियां उठ के यहां पे जाएंगी, अभी बोला जाएगा कि अभी पढ़ो तो अभी आगे क्या करेगी, पढ़ेगी, यानी हाथ पे जो नाचने वाली लड़की होती है मतलब उसको कठपुतली बोला जाता है। तो उसी प्रकार की शिक्षा दिया गया कि वो अपने मर्जी से एक काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। कठपुतली का मतलब आप लोग जानते हैं कि माता पिता जो बोलेगा वही लोग मतलब वही लड़की करेगी, यानी बहुत ही संस्कारी लड़की है, माता पिता की बात मानने वाली है, ठीक है। वे कभी किसी भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, यानी लड़की इतनी अच्छी है कि वो किसी भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, जो लड़की है वो दौड़ती भी है खेलती भी है और लेकिन शाम में खेलती है, चूंकि उनको सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उनको सिखाया गया है कि तुम शाम के वक्त दौड़ो खेलो ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। तो लड़कियां दौड़ती भी हैं खेलती भी हैं, लेकिन कब खेलती हैं, तो शाम को खेलती हैं, दिन में हिम्मत नहीं है कि वो लोग खेल दें और दौड़ दें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं, सोसाइटी की यहाँ पे देखिए तरीकाएं उन्हें भी कुछ सिखाती हैं, चाहे तो सीख ले पर उन्हें खिलखिलाकर खिलखाली मारते हुए किसी ने सुना नहीं। अब उनको ये भी बताया गया कि हंसने के लिए केवल तुम लोग मुस्कुरा सकती हो, खुल के अगर ठहाका मार के आप लोग हंस नहीं सकते हो, हंसोगे तो सोसाइटी में क्या होगा, बदनामी होगा, ठीक है। तो आज तक उन्होंने मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं वो कभी खिलकारी मारकर हंसते हुए उन पांचों बेटियों को किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चे से यहाँ पे देखिए खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं, यहाँ पर देखिए लड़कियां हैं, अब्बे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। अब यहाँ पर देखिए जो सेन साहब के मतलब अगल बगल के लोग हैं वो अपने बेटे और लड़कों से मतलब कंपेयर करते हैं कि एक तुम लोग हो, एक सेन साहब की लड़कियां हैं, तुम लोग फूल के गमले तोड़ते फोड़ते रहते हो, लेकिन सेन साहब की जो लड़कियां हैं वो एकदम सुशील है, वो आज तक कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करती है, बस आप लोग कहानी समझते चलिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे कहानी बाबू स्टार्ट होगा, अभी थोड़ा सा ये लिखा है,
सो जहां सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उसने मोटर कार, यहां देखिए सेन साहब की लड़कियां की सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। अब लड़कियों को इतना मतलब दबाव में, इतना मतलब प्रेशर में रखा जाता है, इतना उसमें संस्कार कुट दिया गया है कि मोटर गाड़ी की जो चमक दमक, यानी जो मोटर गाड़ी चमकीली है, उसको ना लड़की छू सकती है, ना उसको मतलब कुछ भी, मतलब मोटर गाड़ी को लड़की से कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है, लेकिन सेन साहब का एक लड़का है खोखा, इसी पे बाबू कहानी है, ठीक है। खोखा उनका एगो लड़का है, पांच गो बेटी और लास्ट में एगो लड़का होता है, ठीक है, उसका नाम है खोखा। खोखा जो है एक ही है, यानी जो खोखा है बाबू सेन साहब का बेटा है खोखा, वो अपने माता पिता का एक ही है। अब जब एगो लड़का होता है, पांच गो बेटी हो, एगो लास्ट में लड़का हो, तो उसका जानते हैं कि आप लोगों का मान कैसे होगा, उसको एकदम हाथ पे से लिया रहेगा, और वैसे ही लड़के क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी कहानी में क्या है कि इतना उस लड़के को प्यार मिलता है कि वो लड़का क्या होता है, बिगड़ जाता है। यही कहानी में आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। सबसे छोटा है, यानी जो खोखा है अपने घर में सबसे छोटा है, खोखा नाउमीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, नाउमीद बुढ़ापे का आंखों का तारा कौन है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। तो नाउमीद बुढ़ापे का आंखें का तारा क्या है बाबू, तो खोखा है, क्योंकि पांच बेटी हो जाती है और बूढ़ होने पर, यानी जब सेन साहब और सेन साहब की उम्र ढल जाती है, खत्म हो जाती है, तब इनको एक क्या होता है, बच्चा होता है, जिसका नाम क्या है, खोखा है। वो क्या है, नाउमीद बुढ़ापे का सहारा है कि बूढ़ा होंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा, हमारा बच्चा हमको काम, मतलब जो होगा वो हम लोगों का देखभाल करेगा। यही नहीं, मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार नहीं होती है, और जो मिसेज सेन है वो हमेशा समझती है कि हमेशा हम जवान हैं, हम बूढ़ नहीं है, ठीक है। तो अपना ताल्लुक जो है बाबू बुढ़ापे से नहीं रखती है, अगर उनको कोई बोल देगा कि बूढ़ा हो रही है तो गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो अपना क्या करती है कि उनका जो ताल्लुक है बाबू वो हमेशा रखती है कि मैं हमेशा जवान हूं, बूढ़ा होने से वो कंपेयर नहीं करती है, यानी बहुत ही हाई फाई आदमी थी, ठीक है। और सेन साहब सच में बूढ़े नहीं लगते हैं। अब जो सेठ लोग होता है बाबू, खाया पिया आदमी होता है तो जल्दी बूढ़े नहीं होता है, जैसे सलमान खान हो गया, सलमान खान हो गए वो मतलब 60 पार है, शाहरुख खान 60 पार है, लेकिन देखने पे 26-27 साल के लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ आप देखिए, जो सेन साहब है वो भी सच में बूढ़े नहीं लगते हैं, बूढ़े हैं लेकिन वो बूढ़ा नहीं लगते हैं। और जो मिसेज सेन है वो अपने आप को कभी बूढ़ा से कम पे, मतलब बुढ़ी, मतलब उम्र ढलने पर क्या बोला जाता है, मतलब बुढ़ापे से कंपेयर अपने आप को नहीं करते, उनको लगता है कि मैं अभी भी जवान हूं, खूबसूरत हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग देखिए, लेकिन मानने लगे कि, यहां आप देखिए, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा अभिभावक, यहां पर देखिए अभिभावक तथा, यहां पर देखिए अभिभावक तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। अब देखिए, जब खोखा कब हुआ था पैदा, तो जब इन लोगों का उम्मीद, सेन साहब की पत्नी का उम्मीद जब खत्म हो गया था, तब खोखा हुआ था, यानी इसीलिए उसको नाउमीद बुढ़ापे का लाठी बोला जाता है, सहारा बोला जाता है, यानी जब दोनों आदमी का उम्मीद खत्म हो गया कि अब लड़का हम लोगों को नहीं होगा, तब ये खोखा बाबू जन्म लिया था, ठीक है। खोखा के जीवन का नियम अपवाद था, और यह अभिभाव, यहां देखिए यह अस्व, यहां क्या लिखा है, अस्वाभ, यहां सॉरी अस्वाभाविक नहीं था कि वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरीके से मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से हो सकता था। अब देखिए, जो खोखा है बाबू ये घर के नियम का अपवाद है, खोखा को जो मन करेगा खोखा वो करेगा, लेकिन लड़की को जो मन करेगा वो नहीं करेगा, यानी खोखा को घर में पूरी छूट है, कुछ भी कर सकता है, गाड़ी को छू सकता है, तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, जहां मन घूम सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है, लेकिन लड़कियों को नहीं थी, ये घर के नियम का अपवाद था। क्वेश्चन आता है कि कौन घर के नियम का अपवाद था, तो खोखा था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था, तो मोटर कार को खतरा किससे था बाबू, तो आपको याद रखना है कि खोखा से था। अब यहां पर देखिए, इनकी बेटी का नाम आता है, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। अब देखिए, बात ऐसी थी कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों हुई, तो देखिए अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सीमा किसकी लड़की थी, तो आपको याद रखना है सेन साहब की, रजनी किसकी लड़की थी सेन साहब की, आलो किसकी लड़की थी सेन साहब की, शेफाली भी सेन साहब की, और आरती क्या थी बाबू, ये भी सेन साहब की। तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो पांच पुत्रियां थी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किन की बेटी थी, तो सेन साहब की। नाम याद रखिए, नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दे देगा कि आरती किसकी बहन है, तो आरती किसकी बहन है, तो अगर दे देगा खोखा, तो आप लोगों को याद रखना है, पांचों के पांचों नाम आपको याद रखना है। उसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी
तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग और दूसरे को दूसरे के लिए अलग। तो यहाँ पे साफ साफ बाबू जो सेन साहब है वो अपने बेटी के लिए अलग शिक्षा रखते हैं और बेटों के लिए क्या रखते हैं बाबू, अलग शिक्षा रखते हैं, ठीक है। और बेटियों के लिए घर का जो नियम है वो अलग नियम है और जो बेटा है खोखा उसका उसके लिए अलग नियम है, ठीक है बाबू। इतना आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए, इतना आपको समझ में आया? सर हम कुछ पता है कहानी के बारे में क्योंकि दीदी के साथ पढ़े थे, ठीक है। कहानी बाबू भेदभाव है, ठीक है, भेदभाव है लड़कियों के साथ, अब के जमाने में थोड़ी हो रहा है, अब तो लड़की सबसे ज्यादा मतलब ये हो रही है ना, लड़की को ज्यादा मान दुलार मिलता है इसलिए तो परी बोला जाता है लड़कियों को लड़कियों को परी बोला जाता है। अब वो पहले का जमाना था, वो अब का जमाना यहाँ पे आ गया, अब लड़की को पापा की परी बोला जाता है पापा की शेरनी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट, अब बाबू यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, बस आप लोग पढ़ते जाइए, ज्यादा लंबा कहानी है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन सेनों की यहाँ पे सेनों को कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा थाड़ा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें लक्षण दिखाई पड़ते। अब देखिए सेनों का कहना, सेनों का मतलब क्या है बाबू, सेन साहब और उनकी पत्नी का, दोनों का कहना है कि जो खोखा है अपना बाप का बेटा ठहरा, यानी सेन साहब का बेटा ठहरा, उसमें सेन साहब का खून दौड़ रहा है और वो क्या बनेगा, आज से ही इंजीनियर बनेगा और इंजीनियर का लक्षण उसमें दिखाई देता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसीलिए ट्रेनिंग भी वैसी ही आज से ही दी जाती थी। बात यह है कि खोखा यहाँ पर देखिए दुर्लित स्वभाव, दुर्लित स्वभाव का मतलब यानी प्यार लाड़ दुलार में जो बच्चा नहीं बिगड़ जाता है उसे दुर्लित स्वभाव का बोला जाता है, यानी प्यार दुलार में वो बिगड़ चुका है। दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते तो यहाँ पर देखिए भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत करने के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि उसका लड़का क्या करेगा। अब देखिए जो सेन साहब के घर में कोई गेस्ट आते थे तो कहाँ पे बैठते थे बाबू, तो भड़कीले ड्राइंग रूम। अब क्या पता ये क्या है भड़कीले ड्राइंग रूम, उसमें मतलब घर में एक बनाया गया था भड़कीले ड्राइंग रूम, ठीक है, उसमें भड़कीली भड़कीली बात होता होगा। लेकिन जब देखिए जब बात खत्म होता है, बात ऐसे नहीं होता कि बात करते करते बात खत्म हो गया, तो उसके बाद आता है लोग कि आपका बेटा क्या करेगा, आपका बेटा क्या पढ़ रहा है, हम यहाँ पे नाम लिखवा दिए, हम बेटे को ये पढ़ा रहे हैं, बेटी को ये पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे होता है भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठ के होता है। अब क्या बात होता है, अगर बात की कमी पड़ जाती है तो लड़का लड़की पे आ जाते हैं कि मेरा लड़का ये कर रहा है, मेरी लड़की ये कर रहा है। तब सेन साहब की बड़ी मैलिकता और दूर यहां देखिए दूरपेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और क्या कर रहे हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो अपनी तरफ बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहां पे बोल रहे हैं सेन साहब कि पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, उसको हम क्या कर रहे हैं आज से ही मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उसे पढ़ाई लिखाई फिजूल की बात है, उसे हम बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाएंगे। जो सेन साहब थे वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो अब यहाँ पे बाबू क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो आपको याद रखना है सेन साहब खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, इतना बाबू आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ना सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा, तो उससे यहाँ पे देखिए इससे बच्चे की उंगलियां आज से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। अब देखिए इनको इतना भी नहीं पता है कि इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उनको पता है कि अगर कारखाने का जो हमारा कारखाना है वहां का बढ़ई मिस्त्री आएगा, अब 5 साल का खोखा हो गया उसके साथ ठोक पीट करेगा कुछ, तो क्या होगा कि औजार से आज भी उंगलियां उसकी वाकिफ हो जाएगी, नहीं वो लोग मतलब जो खोखा है वो आज से ही क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड होते जाएगा। देखिए सोच कैसा है ये सेन साहब का, ठीक है, मतलब उसको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बढ़ई के मिस्त्री को घर पे बुला रहे हैं, उसके साथ ठोक पीट करेंगे तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है। अगला देखिए अब क्या लिखा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, कहानी की तरह है बस बाबू, आपको पढ़ते रहिए, जहां पे ऑब्जेक्टिव है हम आपको बता देंगे। चलिए उंगलियां वाकिफ रहेगा, चलिए
हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, यानी आम जो हिंदुस्तानी लोग हैं ये बात नहीं समझते हैं कि इंजीनियर बनाना है तो अगर बड़ा ही मिस्त्री को लिया के ठोक पीट करने पे इंजीनियर बन जाएगा। आगे देखिए, एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रहे थे, तो उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। अब देखिए, जो सेन साहब थे बाबू बड़ा आदमी के मोबाइल गिर गया। चलिए देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से आप लोग देखिए यहां पे, ठीक है ठीक है, ध्यान से देखिए। सेन साहब के साथ वही लोग बैठते हैं, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं। देखिए सेन साहब के, थोड़ा सा गिर गया था फोन। चलिए सेन साहब के पास बाबू यहां पे क्या है ना कि ये है, देखिए ये मतलब ये वाला जो इसमें कमेंट पढ़ते हैं इसीलिए बार बार नीचे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो सेन साहब थे बाबू वो किन लोगों के पास बैठते थे, तो जो अपने हैसियत के लोग थे, यानी बड़ा आदमी के साथ बैठता था, तो उसमें एक अखबार नवीस थे यानी पत्रकार महोदय थे, ठीक है। और सेनों की दूर के रिश्तेदार भी होते थे, यानी सेन साहब के जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी हुआ करते थे, साथ में उनका लड़का भी था जो तो खोखा से भी छोटा था पर उसमें समझदारी होनहार, वो समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। जो पत्रकार महोदय थे वो उनका एक छोटा बच्चा था जो सेन साहब से भी, सेन साहब का बेटा था खोखा, उससे भी छोटा था लेकिन समझदार था और होनहार, बच्चा देखने ही पता चल जाता है कौन शैतान है कौन अच्छा बच्चा है। किसी यहां पर देखिए, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी तो सेन साहब पूछे कि बच्चा स्कूल में तो जाता होगा, अगर उस बच्चे की मतलब छोटा बच्चा का अगर हरकत देख मतलब अच्छा हरकत देख के कोई तारीफ कर दें तो सेन साहब को जलन होने लगता है, ठीक है। इसी इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते तो सेन साहब ने शुरू किया कि तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें यहां दोहराकर थकते नहीं थे। अब सेन साहब बार बार बोलते थे कि खोखा मतलब कोई भी आ जाए, घर में कोई आ जाए, मैं सेन साहब को मतलब सेन साहब बोलते थे, पत्रकार महोदय आ जाए, दोस्त आ जाए, रिश्तेदार के लोग आ जाए, उनसे सबसे यही बात बोलते थे कि आपका लड़का क्या करेगा, हम अपने लड़के को तो इंजीनियर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे। मतलब जितने भी रिश्तेदार थे दोस्त से सबसे ये बातें बता चुके थे, लेकिन वो बात ये बताते बताते थक नहीं रहे थे, ठीक है। तो आगे देखिए अब क्या होता है, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं और वे ही बातें दोहराते थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे जब फिर उससे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है। बार बार सेन साहब बोलते रहते थे कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मतलब एक बात कहने के बाद फिर मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, तो फिर ये बात सुनकर पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे थे। तब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपके बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, मतलब आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये देखिए उसने यहाँ पे कहा गया मुस्कुरा रहे थे जब उसे पूछा गया कि आपके विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, यानी उनके बच्चों को देखा था कि उसका बच्चा शरारती है बदमाश है, तो ये तंज कसते हैं सेन साहब पर पत्रकार महोदय कि मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा क्या हो, शरीफ आदमी बने, जेंटलमैन बने, उससे और जो भी कुछ बनना है उसका काम है। बच्चों लोग जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि मैं पढ़ लिख के क्या बनूंगा, उसी के हिसाब से वो पढ़ते हैं, यानी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जेंटलमैन बने मतलब अच्छा आदमी बने और जो कुछ बनना है वो उसका काम है, मतलब बाप मैं पढ़ाते हैं जो आपको पढ़ना है वो आप लोग पढ़िए और वैसा आदमी बनिए, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के से शिष्ट और प्रछन्न व्यंग से ऐड कर रह गए, और जो सेन साहब थे इस व्यंग से ऐड कर रह गए, तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, आप लोग ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्टिव आता है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए, तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा कि जो सेन साहब हैं ये पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए, ठीक है। सर जी प्रणाम, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे बताइए, समझ में आ रहा है ना, सेन साहब क्या थे बाबू, उनके मतलब खोखा बदमाश था, खोखा तो बदमाश था, अपने बैंक से क्या हो गए ऐड के रह गए, किसके बैंक से ऐड के रह गए थे, तो पत्रकार महोदय के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बताते हैं, अब यहाँ से बाबू आता है एक कहानी में, और अब यहाँ से आएगा बाबू मदन, ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तब भी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों को भी जाने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने एक साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, औरत के पास 5-6 साल का बच्चा खड़ा था,
वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर को मारने के लिए झपट रहा था। अब यहाँ पे देखिए, घर में मेहमान लोग बात कर रहे हैं तो बाहर एगो औरत की और लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। पत्रकार महोदय, जितने भी दोस्त थे सेन साहब के, वो सब एक साथ बाहर निकले तो वहाँ पे देख रहे हैं कि एक औरत के साथ 5-6 साल का छोटा बच्चा है जो सोफर को दौड़ रहा है मारने के लिए बार बार, ठीक है, बार बार झपट रहा है मारने के लिए। सोफर क्या है बाबू? ड्राइवर है, यानी जो सेन साहब का ड्राइवर है उसको बार बार मारने के लिए दौड़ रहा है। अब आगे कहानी समझिए तब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों दौड़ रहा था मारने के लिए। आगे यहां पे देखिए लिखा गया कि सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, यानी सेन साहब भाई प्रभावी आदमी थे, उनको देखकर जो औरत थी बाबू वो सहम गई, डर गई, ठीक है। सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा, मैंने तो उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझे मारने दौड़ा, अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो सेन साहब का ड्राइवर है, वो अपने मतलब अपना बारे में सेन साहब से सफाई दे रहा है कि जो मदन है वो गाड़ी को आके छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। तो ये बोल रहा है कि जा, मैं तो छूऊंगा, ठीक है, उस और छूऊंगा उसको, जब अलग किया तो मारने दौड़ने लगा, अब उसकी माँ आती है और खाम खाम उससे उलझ रही है। अब यहाँ पे देखिए, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे ओंठ देखकर चुप रह गई। सेन साहब बड़े यहाँ पे शांत और कठोर स्वर में कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करें। अब यहाँ पे जो सेन साहब थे उनके सटा ओंठ, जब आदमी गुस्सा होता है तो कैसा हो जाता है, ऐसे चुप हो जाता है। तो सेन साहब क्या थे बाबू, उनके जो ऊंट थे बाबू सटे थे, यानी समझ गई कि मदन की माँ की वो क्या है, अभी गुस्से में है और उनके सामने बोलना कुछ नहीं है। तो मदन यहाँ पे बोलते हैं सेन साहब कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है मदन, अब आगे पढ़िएगा तो क्यों वो झपट रहा है ये आपको पता चलेगा। मदन और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया मदन और उसकी माँ अपने बेटे की बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन उसे मामूली किरानी के बेटा सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया है और उसे चोट लग गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? तो ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसकी माँ ले जा रही थी तो बाएं घुटने से उसका खून निकल रहा था मदन का, यानी गाड़ी पे आया था वो छूने के लिए। तो अमीर लोग होते हैं ना, कि ज्यादा अमीर लोग होते हैं तो कोई मतलब ये क्या बोलते हैं, गरीब का बच्चा आता है तो उसको दूर से ही ऐसे भगाने लगते, तो गाड़ी आके छूया होगा तो उसको जो ड्राइवर है वो ढकेल दिया होगा तो जमीन पे गिर के उसका ठेवना फूट गया है, खून निकल रहा है, तो अपने माँ को बुला के लाता है। तो माँ पूछती होगी कि आप क्यों ढकेले ड्राइवर से, तो ड्राइवर अपने आप में सफाई दिया है कि ये छू रहा था, इसको हटा दिए तो ये मारने दौड़ रहा था, तो इसीलिए थोड़ी मारने दौड़ रहा था, इसका क्या किया था ड्राइवर, उसको ढकेल के उसका ठेवना फोड़ दिया था, ठीक है, इसीलिए वो मारने दौड़ रहा था। और उसकी मां क्या करती है, चुपचाप मदन को लेकर चली जाती है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, अब ठीक जैसे ही लोग जा रहे लो तैसे ही यहां पे गाड़ी के पीछे ठक ठक की आवाज सुनाई दे रहा है। मदन तो चला गया अपनी माँ के साथ, वहीं पे उनके दोस्त सेन साहब खड़े हैं, तब भी देखिए मोटर के पीछे से खट खट की आवाज सुनाई दे रहा है। अब आपको पता हो गया कि मोटर के पीछे कौन है, तो सेन साहब का लड़का खोखा है। अब यहां पर देखिए सोफर भी दौड़ा, सेन साहब लपक के दौड़े और सोफर जो था वो भी दौड़ा। अब देखिए और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। अपना बच्चा है तो उसको हल्का मुस्कुराहट देके ऐसे हंस के डांट रहे थे, ठीक है, और दूसरा का बेटा को ढकलवा के गोड़ फोड़वा मतलब ठेवना फोड़ दिए। यहाँ पे देखिए और मोटर की पिछली बत्ती एक लाल शीशे से चकनाचूर हो गया था। अब देखिए क्या किए थे कि जो मोटर था सेन साहब का, पीछे का जो रेड कलर का बत्ती होती है उसको क्या कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था, फोड़ दिया था। तो इसको उठा के मुस्कुरा के डांट रहे हैं। अब मदन केवल छू रहा था उस गाड़ी को, तो उसको क्या किया था, जो ड्राइवर था वो क्या कर दिया, धकेल के उसका ठेवना फोड़ दिया। अब देखिए आगे क्या है कि सेन साहब के मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने बड़ी शरारती हो गया है कासू। मदन का नाम क्या था बाबू? कासू। अब यहां पे आया है कासू नाम, तो आपको याद रखना है
क्वेश्चन आता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, या कासू का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा है, आपको याद रखना है। मोटर के पीछे हरदम, यहां पर देखिए मोटर गाड़ी के पीछे हरदम पड़ा रहता है, यानी जो खोखा है वो मोटर गाड़ी के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जे इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद यह देखना चाहता है, चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। देखिए अब यहां पे कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो क्या किया है कि इतना शरारती है कि पीछे का जो मतलब लाइट है, यानी रेड कलर का जो ब्रेक दाबने पर लाइट जलता है, उसको फोड़ दिया है। लेकिन सेन साहब क्या कहते हैं कि इतना शरारती हो गया है, इतना मतलब इंजीनियर आज से ही बनने का इसमें इतना मतलब इतना इच्छुक है इंजीनियर बनने के लिए कि आज भी क्या कर रहा है कि पीछे का जो कल पुर्जा है उसको खोल खोल के देख रहा है कि इस बत्ती में क्या है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, नेक्स्ट लिखा गया कि सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ कार की ओर चले, उन्होंने अपने मित्रों को भाव घमी देख नहीं, आप देखी नहीं, देखते हुए कुछ समझ नहीं पाते, इसमें शक हो गया था कि मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्की पर पड़ गई, उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। अब देखिए क्या होता है कि जो अब तो ये काम हो गया, सेन साहब की गाड़ी का बत्ती टूट गया, अब जितने लोग थे उसमें एक मिस्टर सिंह भी थे, मिस्टर सिंह गए जैसे ही गाड़ी के पास, तो गाड़ी के पास जाते हैं गेट खोल के बैठने, तो लगता है कि आगे का गाड़ी का चक्का का हवा खत्म है, यानी उसको उसमें का हवा निकाल दिया था। कौन निकाला था, तो खोखा निकाला था, गाड़ी पंचर हो गई थी, बैठ गई थी। अब देखिए सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कासू ने हवा निकाल दिया हो। अब यहां पे झिझक झिझक कर शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये कासू ने हवा निकाल दिया है। ठीक है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो, अब इनको पता है सेन साहब को कि जो कासू है ये थोड़ा सा बदमाशी करके नहीं मानेगा, वो दूसरा चक्का को भी चेक कर लो उसमें का तो हवा है कि नहीं है, और देख लो और पंप लेकर आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लेन में लगवा दो, तब तक हम वहां पे बैठते हैं, और बोलते हैं कि तब तक कुर्सियों को क्या करो कि लेन में लगा, लाइन में कुर्सी को लगा दो, हम लोग वहां पे बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। अब देखिए क्या किया है कि दूसरा मतलब पिछला जो चक्का है, तो आगे का जो दूसरा चक्का है उसका भी हवा निकला है, और पीछे का जो चक्का है उसका भी हवा वो निकाल दिया था, इतना शरारती था। ठीक है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। जो सोफर था यानी जो ड्राइवर था बोल रहा है कि जो ये काम है हवा निकालने का, ये कौन किए हैं, कासू बाबू। देखिए कितना प्यार से नाम ले रहे हैं, कासू बाबू का ही मालूम पड़ रहा था, क्योंकि जो कासू बाबू थे वही खेल रहे थे, वही उन्होंने ही निकाला है। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर बता दिए गाड़ी चेक करके कि केवल आगे का ही नहीं निकला है, आगे वाला का दूसरा चक्का का भी निकला है हवा, और पिछला का भी निकाल दिया है, और पंप लेने चले गए हवा भरने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब मुखर्जी साहब यहां पे मुस्कुरा रहे हैं। देखिए यहां पे मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, यानी जो मुखर्जी साहब भी थे, एक तो पत्रकार महोदय थे, मिस्टर सिंह थे, उनके दोस्त हैं ये लोग, उसके बाद मुखर्जी साहब भी इनके दोस्त ही हैं, उनकी जो गाड़ी थी अभी सुरक्षित थी। ठीक है, वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, जो पत्रकार महोदय थे उनके साथ वो क्या हुए, चले गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे, बातों के सिलसिला में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू इधर के चक्कों का हवा निकालने की हिमाकत जान ली थी, और मौके मिलने पर शरारत का यहाँ पर शरारत कर गुजरा। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, और ताकि यहाँ पे ताकि चक्कों में पंप नहीं हो गया, मिस्टर सिंह यहाँ पे देखिए रुखसत नहीं हो गए। अब देखिए यहाँ पे जब लाइन में वो लोग बैठे, मिस्टर सिंह साहब कासू के पिताजी, ठीक है, सेन साहब और सिंह साहब दोनों जाने बैठे, तो फिर यही बात बोल रहे हैं कि कासू इतना शरारती हो गया है कि उसको आज तक इंजीनियरिंग के मतलब यहां पर देखिए इंजीनियरिंग बनने में उसकी दिलचस्पी है, हवा भी निकाल दिया तो उसको भी किससे जोड़ रहे हैं, अपना बच्चा का बड़ाइए कर रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग में ही उसका दिलचस्पी है। इसीलिए जो खोखा था बाबू वो क्या कर रहा था, गलती कर रहा था, लेकिन माता पिता उसको पर्दा डाल दे रहे थे, इसीलिए वो गलती करते जा रहा था, माता पिता पर्दा डालते जा रहे थे, और वो क्या हो गया था बाबू, बदमाश हो गया था। इतना आपको समझ में आ गया।
इतना आपको समझ में आ गया, स्टोरी बस आप लोग समझते चलिए, ठीक है। ब्यूटी सुजीत रॉय, सचिन डॉली मिश्रा, परदुमन भाई, वीर बहादुर, रसिका बहुत ही बढ़िया, रवीश, डॉली एजुकेशन गर्ल, एमडी रहमनुल, महिमा वत्स बहुत ही बढ़िया, संतोष, ज्योति कुमारी। चलिए समझ में आ रहा था, आप लोग समझिए बस कहानी है बाबू। आगे देखिए अब क्या है, आगे यहाँ पे क्या है बाबू कि सेन साहब अंदर लौटे, यहाँ देखिए ब्यारा को मदन के पिता गिरधरलाल जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, ध्यान से अब आप लोग समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गिरधरलाल कौन था, तो गिरधरलाल कौन था बाबू, मदन के पिता था। और जो गिरधरलाल थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे बाबू, किरानी थे। किरानी का मतलब जो पैसे का लेन देन का हिसाब करता है वो थे किरानी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो गिरधरलाल के बारे में आपको समझ में आ गया, मदन के पिता था और सेन साहब की फैक्ट्री में ही काम करता था, ठीक है। यानी सेन साहब गिरधरलाल के क्या थे, मालिक थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और आहते एक कोने में हाउस, आउट हाउस में रहता था, और जो फैक्ट्री का जो आउट हाउस था उसके कोने में एक रहता था, यहाँ पे बुला लेने की हुक्म दिया गया, यानी जो गिरधरलाल थे उसको बुला लेने का हुक्म दिया गया। गिरधरलाल आए और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। और यहाँ पे देखिए सेन साहब यहाँ पे ठंडी बेला, यहाँ पे क्या है, बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जो छोटा बच्चा मदन था जो सोफर को मार रहा था दौड़ने के लिए, तो ये सब हिमाकत उसके देखें, और तो क्या किए सेन साहब की, गिरधर लाल जो था उसके पिता थे जो छोटा बच्चा मारने के लिए दौड़ रहा था, गिरधर लाल उस सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, गिरधर लाल को बुलाया गया और गिरधर लाल ऐसे आके सिर झुकाकर खड़ा हो गया, मतलब लग रहा था कि वो खून करके आया, इतना मतलब डर था सेन साहब से। अब सेन साहब बोलना शुरू करते हैं, देखो गिरधर, आगे देखिए कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहां पे क्या बोलते हैं, आपको समझ में आएगा, समझा रहे, बस आप लोग कहानी समझ लीजिए। मदन आजकल यहाँ पे सुख हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं, कि गाड़ी को गंदा किया वह अलग, यहाँ मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। गिरधर कभी कभी जी कह देता था, सेन साहब की भाषण जारी था, उनकी हालत क्या होती होगी तुम जानते हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। अब देखिए जो सेन साहब थे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें और कासू मतलब मदन का भलाई चाहता हूं, तुम अच्छे आदमी हो, गाड़ी गंदा कर रहा था तो उसको मना करने पर ड्राइवर को मारने पड़ रहा था तुम्हारा लड़का उसके बदले में, और बोलते हैं कि अगर ऐसे लड़के हुए तो आगे चल के क्या बनेंगे, गुंडा, चोर, डाकू बनेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था मदन को कि ऐसे लड़के आगे चल के गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं, तो आपको याद रखना है किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। सेन साहब ने क्या कहा था कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते, किसको कहा गया था, तो मदन को कहा गया था, इसे आपको याद रखना है। गिरधर बेचारा उसके फैक्ट्री में काम करता था और वो बड़े आदमी थे सेन साहब, तो बीच बीच में कभी जी जी कर लेता था, बाकी भाषण उनका समझा दिए, बोल बोल दिए उसको, और यहां पे बोल दिए कि अब तुम जाओ गिरधर, तो आ गया। अब आगे आया घर तो देखिए क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर आते ही मदन से चित्कार कर सेनों के आराम देह सयान गुज गया, आराम के ख्याल में पड़ने से कुछ झुलाकर पिता सेन धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दें, खाल उधूड़ दूं। गिरधर ऐसी ही यहाँ पे कड़ाई जारी रखा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं जब सेन साहब, देखिए क्या होता है, क्वार्टर चला जाता है तो यहाँ पे अब सेन साहब बिस्तर पे सोए हैं और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि जो गिरधर लाल है वो बहुत ही समझदार आदमी है, लेकिन जो उसकी वाइफ है यानी जो उसकी धर्मपत्नी है वही क्या की है कि जो मदन है उसको बिगाड़ दिया है। सेन साहब का मन कर रहा था कि जब मतलब जब दौड़ रहा था मारने के लिए, तो उसी समय सेन साहब का मन कर रहा था कि उसका खाल उधेड़ ले, लेकिन बोल दिए हैं गिरधर से कि जाके उसको कुटाई
करेगा, ठीक है। अब आगे इंग्लिश में यहाँ पे शब्द बोलते हैं, अब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे है कि माता सेन की नींद उचट गई थी, उन्होंने मदन का कतरा चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खिसिया रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी खीज का मतलब खीज मदन पर ही उतार दिया। कमबख्त कैसा कौ कौ चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की यहाँ पे बराबरी करता फिरता है। मदन की आर्त रुदन रुक गया था कि यहाँ पे देखिए खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के सेनाग्र तक नहीं पहुंच सकी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब आए जो गिरधर लाल थे वो अपने घर आए तो मतलब क्या किए कि मतलब मदन को बहुत डांट रहे थे, मार रहे थे, बकबक बकबक कर रहे थे, तो उसकी जो पत्नी थी वो क्या की कि अपने पति का जो गुस्सा है ना वो लड़के पे उतार दी, बोल ली कि कमबख्त कौए की तरह कैसे काँव काँव कर रहे हैं, अपने पति का जो मतलब गुस्सा है वो अपने लड़के पे उतार दी कि देखो कैसे ये कौए की तरह काँव काँव कर रहा है, भिखमंगा कहीं का, अपने पति को ही बोलती है भिखमंगा कहीं का लेकिन मदन पे साट के बोलती है, खोखा की बराबरी करते फिरता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा गया, आगे अब देखिए यहाँ पे, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते में बगल वाली गली में जाकर निकला, वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ यहाँ पे आवारा गर्द छोकड़ों के साथ लट्टू नचा रहा था। अब देखिए अगले दिन क्या होता है कि खोखा मतलब खोखा गांव का लड़का था भाई, मतलब गांव में घूमने वाला जो मदन था वो गांव में घूमने वाला लड़का था और जो खोखा था वो महल में रहने वाला था। तो क्या कर रहा था कि जो मदन है पड़ोसियों के साथ गाँव में तो धूल मिट्टी होता है उसी में लट्टू नचा रहा था। आवारा गर्द लड़का होता है ना, केवल खेलने से मतलब होता है, उन्हीं लोगों में जाके जो मदन है केवल ये क्या कर रहा था बाबू, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने तो उसकी तबीयत मचल गई, खोखा देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, हंस और कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब जो खोखा था बाबू ये हंस और कौआ बोला गया, हंस बोला गया है बाबू खोखा को, हंस होते हैं गोर यानी वो क्या है बाबू अमीर घर का लड़का है, कौआ का मतलब हो गया गरीब, यानी जो खोखा है वो हंस है और कौआ क्या है बाबू मदन है उसके साथी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यानी साफ साफ कहने का मतलब कि जब मदन लट्टू नचा रहा है तो खोखा को भी देखता है कि मदन लट्टू नचा रहा है तो वो भी खेलने के लिए ललक गया साफ यहीं पे। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा कि हमको लट्टू दे दो हम खेलेंगे। अब ये मतलब बड़े घर के लोग रोबदार होते हैं तो जाके एकदम रोब से बोला कि लट्टू मुझे दो, मदन का ही लट्टू है लेकिन वो बोल रहा है कि लट्टू मुझे दे दो मैं नचाऊंगा मैं खेलूंगा। अब कोई छोटा बच्चा अपना देगा, उसी में गरीब है उसको कैसे लट्टू मिला है, वो लट्टू उसको थोड़ी देगा। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे यहाँ पे देखिए क्या होता है, दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र पर उसके अपमानित पर यहाँ पे देखिए क्या छूट गया या दूसरे लड़कों पर उसके खास नहीं पड़ा। खोखा वो अपनी जमात में लेने के फायदों से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे पर उनको अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को ही यह बात मानकर मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, मैं भी लट्टू तेरे जैसे तेरे अपने बाप को भी मोटर पे क्या लिखा है यहाँ पे एक बार पढ़ते, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप के मोटर के गाड़ी पे बैठ। अब होता है ना वो गांव में आप लोग देखे होंगे कि 10 गो लड़का होगा उसमें का एक हेड होगा, हेड होता है वही बोलेगा कि इसको खिलाया जाए तो वो बोलेगा कि हाँ खिलाओ, आप लोगों का भी साथ होता है इसी में से कोई बच्चा होगा हेड वही हेडवा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था कि जब आया तो उसमें खिलाने का ये नियम था कि अगर उसमें का हेड था मदन, बोलेगा कि मदन खेलने के लिए तब भी वो क्या करेगा खेलने देगा बाकी मतलब और बच्चे के साथ वो खोखा खेल सकता है, वही हेड मदन था तो उसमें बोलता है। अब सभी बच्चे इसके मुंह देख रहे थे कि खिलाया जाए कि नहीं, तो ये तो उसका ड्राइवर इसका ढकेल के ठेवना फोड़ा था। तो अब देखिए क्या बोलता है यहां पे, क्या बोलता है कहां गया यहाँ पे, बोलता है अबे भाग जाए यहाँ से, जब मदन बोलता है खोखा से कि अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा या लट्टू खेलने वाला, तेरे बाप के पास भी है लट्टू, जा तेरे बाप के पास गाड़ी है, गाड़ी पे जाके बैठ, लट्टू तू मत खेल। अब देखिए आगे, कासू तैस में आ गया, गुस्से में आ गया, इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल की कोई कुछ कर दे, उसने आओ देखा न ताओ देखा, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया।
दिया। अब देखिए जैसे बोलता है कि जा तेरे को मैं लट्टू नहीं दूंगा, जाके अपने बाप के गाड़ी पे बैठ, तो ये क्या करता है कि गुस्सा आने पर नौकरों को भी पीट देता था जो कासु है, और अपनी बहनों को भी हाथ छोड़ देता था। तो ये क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, मदन को उसको क्या कर दिया कि एक घूसा रसीद कर दिया। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू कि मदन को किसने एक घूसा रसीद किया, तो आपको याद रखना है कि मदन को एक घूसा रसीद किसने किया था, तो खोखा ने किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या किया, तू तो पीट दिया, आया था खेलने के लिए, अब यहां पे वो जो खोखा था वो मदन को पीट दिया। चोरी गुंडा डाकू होने वाला मदन ने भी, मदन भी कहां मानने वाला था, वह झट से झट कासु पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद का युद्ध का मजा ले रहे थे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहत में यह लड़ाई बहुत, मतलब आहती में यह लड़ाई हुई रहती थी। तो कासु, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब जैसे ही क्या करता है कि जो मदन था, कासु था, वो मदन को मारता है, तो मदन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी कासु पर टूट गया। दोनों लड़ने लगे, जो साथ में लड़के थे वो थोड़ा साइड हट गए, मतलब दो लड़का रहता है, ये नहीं कि आके छुड़ाए उसको, थोड़ा हट के मजा ले रहे थे, सभी बच्चे मजा ले रहे थे। लड़ाई था गली और बंगले के पिल्ला, बंगला का पिल्ला किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि सेन साहब के लड़के को बंगला का पिल्ला कहा गया है, और गली का जो कुत्ता है बाबू उसे किसे कहा गया है, तो मदन को कहा गया, इसे आपको याद रखना है। इन दोनों की यहां पे लड़ाई हो रही थी, यानी झाव झाव पूरा एकदम लड़ाई हो रहा था एकदम। चलिए आगे देखिए अब क्या हो रहा है, आगे यहां पे शोर हो जाता है वहां से, तो एक मिनट बाद वह रोता हुआ जान यहां पे जान लेकर भाग निकला। अब यहां से देखिए, वहां से रोते हुए, यानी जो सेन साहब का लड़का था वहां से एक मिनट बाद रोते हुए एकदम चिल्लाते हुए अपने जान बचाकर भागा। अब देखिए, महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इनकी अकल कहाँ थी, उन्होंने न तो अपने दुर्गम्य लीडर की मदद की और ना ही माता पिता के मालिकों की यहाँ पे मदद की। अब देखिए जो लड़के हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन जीतता है, ये ऑब्जेक्टिव बात है, तो आपको याद रखना है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, यानी जो अमीर लोग हैं वही जीतते हैं, लेकिन बच्चों को ये सब थोड़ी मालूम है कि ये बड़ा घर का है ये छोटा घर का है, किसकी मदद करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। वो क्या किए इसमें, किसी के भी मदद नहीं किए, ना ही अपना दोस्त का मदद किए, ना ही सेन साहब आपके मदद किए। ठीक है, हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने के बाद तुरंत सहमते हुए तीतर बीतर हो गए, और जैसे ही लड़ाई खत्म हो गया, खून निकलने लगा मुंह हाथ से, तो सब लोग क्या हो गए, सहम के जितने भी लोग थे, मतलब छोटे छोटे लड़के थे, वो क्या हुआ कि वो चले गए। आगे देखिए, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी कहां, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहता, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से, यहां पे देखिए असहिमता यहां पे घर में घुसा, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसके लिए मार खाना मामूली बात था, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, इसे आपको याद रखना है। डर रहा था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, यानी आज क्या किया है बाबू कि अपने मालिक का ही लड़के को क्या किया है, पीट दिया है, तो आज जो मार मिलेगी, रोज तो मिलता ही है, लेकिन आज जो मार मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी, इसीलिए वो घूमता रहा इधर उधर, जब भूख लगा तो वो क्या किया कि गया अपने घर धीरे धीरे। ठीक है, और यही सोच रहा था कि और दिनों के बजाय आज मार बहुत मिलेगा, क्योंकि आज मालिक के लड़के को ही पीट दिया हूं। आगे देखिए, उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी, उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर वहां पे क्या लिखा गया है नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, भर पेट खाना खाया और गिरधर के घर के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा, यानी वो रसोई घर में गया और आराम से भर पेट खाना खाया, और बगल के घर से आवाज आ रहा था बात करने का, उसे अब सोचा कि अब तो खा पी लिए, जाके अब सुनते हैं कि ये क्या आवाज आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग देखिए आगे क्या लिखा है, जाके आवाज सुनता है, ठीक है, सुनने की कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश करने लगा, उसे बड़ा ताजुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, उसको ताजुब हुआ, मतलब उसको हैरानी हुआ कि आज सेन साहब के लड़के को पीट के आए हैं, और वैसे भी पीटा है कि उसका दो गोदांत कासू का तोड़ दिया, अभी नहीं लिखा है लेकिन बाद में आपको दिखाई देगा उसका दो गोदांत क्या किया गया है,
क्या किया है, मदन तोड़ दिया, मदन को वो एक घूसा मारा था, तो उसके बदले में मदन क्या किया था कि मार के उसका मुंह में का दो गो दांत तोड़ दिया था। ठीक है, तो आज उसके पिताजी हैं वो और दिन की तरह गरज नहीं रहे थे कि आएगा तो आज उसका मतलब मार के फोड़ फाड़ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, लेकिन बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे थे। यही सोचकर वो मतलब मदन को ताज्जुब हुआ, उसकी अम्मा ने कई बार पूछा जिससे वो ठीक ही नहीं सुन सका, यानी उसकी अम्मी कुछ बोल रही थी, माँ कुछ बोल रही थी, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं सुन पा रहा था। इसके बाबू इलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, मदन के काम का यहाँ पर देखिए मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसके सजा तजीब होती रहती तो सुन के यहाँ पर देखिए तो सुनने की कोशिश भी करता वो। अब देखिए यहाँ पे उस मदन की बात बारे में कुछ बात नहीं हो रहा था, अब वो इतना चीज सुना कि सेन साहब बोल रहे हैं कि कल से गिरधर मेरे फैक्ट्री में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मेरा मकान छोड़कर चले जाना और ऑफिस से क्या करना तनख्वाह ले लेना। ये क्या होता है बाबू, तो जब खोखा उसे क्या करता है पीट पाट के दांत तो तोड़ दिया है, तो सेन साहब बुलाते हैं गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन है, सेन साहब का किरानी है, उसको बुलाते हैं, गिरधर लाल को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटा का दांत तोड़ दिया है, अब मेरे ऑफिस में क्या है बाबू तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम जाओ मेरा जो घर में रहते वो भी खाली कर दो और तनख्वाह कहां से आके ले जाना, ऑफिस से लेके आ जाना। ठीक है, मदन के बारे में यही सब मतलब जो मदन के पिता थे गिरधर और उनकी माँ यही बात कर रहे थे। ठीक है, तो मदन सोचता है कि मेरे बात बारे में तो कुछ बातें नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको खुशी होती है कि मेरे बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, आज लगता है कि बच जाऊंगा, पिटाऊंगा नहीं। तो आगे देखिए अब क्या होता है, वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरा में उसकी पैर से लालटेन यहाँ पर देखिए पैर से लोटे से लग गया। लोटे ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल कर आया और मदन की अम्मा भी थी उसके साथ। मदन यहाँ पर चौकर घुमा तो मार खाने के लिए तैयार में छाती में अपने हाथों को दबाकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था यहाँ पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। मतलब जो मदन था बाबू वो सोच रहा था कि आज तो पिटाएंगे, अब खा पी लिया आराम से और मतलब धीरे धीरे ऐसे नहीं चला जाता, ऐसे चल के जाके वो क्या किया कि मतलब जा रहा था बरामदे में खटिया पे रखा था वहां पे सोने, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो जो लोटा था बाबू पैर से लग गया, ठन ठन की आवाज सुनाई दिया तो गिरधर लाल निकले, गिरधर लाल की वाइफ निकली, तो अब ये घूम के ताका तो ऐसे हाथ ऐसे करके, यानी अब लग रहा है जब पिटाने वाला होता है बच्चा तो ऐसे हाथ कर लेता है ऐसे कि अब लग रहा है कि अब पिटाएंगे अपने पिता के हाथ से। ठीक है, और यही सोचता है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे अब आप लोग देखिए, ज्यादा अब नहीं है शायद, अब यहां पे खत्म होगा। यहां पे देखिए हाँ, अब यहां पे देखिए गिरधर निस्सह निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांत भींच लिए, गिरधर मदन के बिल्कुल पास आया और अचानक ठिठक गया और उसके चेहरे से नाराजगी का बदला हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया, मदन हक्का बक्का रह गया, अपने पिता को देख रहा था और उसे याद नहीं था कि इसके पिता कब इस तरीके से प्यार किया था। ठीक है, अगर कभी भी किया होता तो गिरधर बेपरवाह, यहाँ पर देखिए कभी भी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोलना, अब यहाँ पे मिटक चुका है। ठीक है, के लिए नौकरी से निकाले जाने पर ही नामुमकिन हो सका, साबस बेटा। अब यहाँ पे एक और क्या लिखा है, वहाँ पे है तो तू, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, तूने तो बेख खोखा के दो दांत तोड़ डाले, हा हा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिटक गया जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा है, बुक भी नहीं है कि यहाँ पे देखें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पिताजी जाते हैं ऐसे, वो हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाता है तो पिताजी जाते हैं उसके पास, मदन के पिता गिरधर जाके उसको मारने के बजाय उसको क्या करते हैं, हाथ पकड़ के ऐसे गोदी में उठा लेते हैं, 5-6 साल का बच्चा उसको गोदी में उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा प्यार मदन को आज तक नहीं मिला था कभी भी। कभी भी मदन को मिला था तो प्यार मतलब लापरवाही और मार पिटाई ही मदन को मिला था, मदन को याद ही नहीं था कि इतना प्यार हमको कब मिला। ठीक है, और क्या किए कि वो बोले उससे मदन को कि नौकरी से निकलना मुमकिन हो सकता है,
के लिए तैयार भी, नौकरी निकल जाने पर ही नामुमकिन हो सका। मतलब ऐसा प्यार उसको कब मिला, जब नौकरी से निकला, तब सेन साहब ने क्या किए कि मदन के पिता हैं उसको नौकरी से निकाल दिए, ठीक है। और जो मदन के पिता थे वो भी सेन साहब के बक 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 से क्या थे बाबू, परेशान थे, वहां पे दब के काम करते थे। और क्या किया था, यहाँ पे लिखे हैं कि खोखा बेटा तूने तो कमाल ही कर दिया था, तूने तो बे कमाल कर दिया, खोखा दो दांत क्या किया था तोड़ दिया था। और उसके मदन के जो पिताजी थे गिरधर लाल, उसको गोदी में लेके ये कहते हुए बहुत ही हंस रहे थे, वो क्या थे, खुश थे। यानी ये यही था सर, पीडीएफ प्लीज, पीडीएफ। ये बाबू कहानी था, आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही अच्छा था, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, बस पढ़ते जाइए आपको समझ में आते रहेगा। कल किस चीज का टेस्ट होगा, टेस्ट आज आप लोग दिए हो, ज्योति ब्यूटी बहुत बढ़िया, कल सोशल साइंस का हो जाएगा, डॉली मिश्रा। कैसा लगा क्वेश्चन, अब बाबू आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हिंदी का बुक है, जो जो बताए हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा ताकि वो याद रहेगा, लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, लेखक मदन कौन था, सेन साहब कौन थे, कौन गाड़ी थी, कितनी की गाड़ी थी, यही सब आता है। ऑब्जेक्टिव इसका बाबू देखते हैं कल सुबह या परसों हम करवाएंगे, बहुत मजा आया, मजा आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कब होगा, और जो भी बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं तो अभी टाइम है, कितना 2 बज रहा है, 3-2 बजे तक है, लेकिन टेस्ट आप लोग नहीं दिए हैं तो आप लोग एक बार आप लोग टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। मतलब आधा घंटा का टाइम देते हैं, 3 बजे बनाएंगे, तो आप लोग मतलब 3 बजे से पहले टेस्ट आज दे दीजिए। कैसे देना है, गूगल में सर्च बॉक्स से इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास, ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास लिख दीजिए, सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए आस्क क्लास ये बड़ा में लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आस्क क्लास इतना बड़ा में ऐसे लिखा हुआ आएगा, आप लोग देखिएगा, इसी वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट डाउनलोड आ जाएगा, और यहाँ पे जो 3 गो बाबू पोस्ट हुआ है ना, इसको बराबर आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपके काम का चीज है। यहाँ पे देखिए लिखा गया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 लाइव, सॉरी 2024 लाइव टेस्ट विज्ञान, 40 में 40 सही करके दिखा हुआ, 40 गो क्वेश्चन लिए, देखते हैं किनका 40 में 40 आता है। और यहाँ पे आप लोग डेट देख लीजिएगा, 6 जून आज का है ना, तो यहीं से आप लोग फोटो पे क्लिक करके दे सकते हैं। चलिए फोटो पे जैसे ही हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये खोलने वाला आएगा, इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, खोल दीजिएगा ताकि ये बार बार ना आए, ठीक है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जूम हो गया, नहीं तो दिखाते हैं। खोलने के बाद अब आपको क्या करना है, काट के फिर एक बार आपको खोलना है, फिर अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आइएगा तो अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, काफी अच्छा है, लड़का लड़की कोई भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा यहां पे लिखा है बाबू स्टार्ट, यहां पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहां पे आप लोग नाम लिखिए, नाम लिखिए, यहां पे नाम आप लोग लिख दीजिएगा, हम यहां पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेगा, उसके बाद देखिए 42 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, 42। अब इसको आपको बनाना है, ऊर्जा का ऐसे ही मात्र क्या है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है नेक्स्ट कीजिए, इसमें सही गलत आपको नहीं बताएगा। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, जो भी ऑप्शन लगता है अगला क्वेश्चन लाने के लिए नेक्स्ट कीजिए, फिर ये क्वेश्चन पढ़िए, जो भी अगला क्वेश्चन लाने के लिए नेक्स्ट कीजिए। ऐसे आपको क्या करना है, 40 गो क्वेश्चन का टेस्ट दे देना है, और 40 गो क्वेश्चन का जब आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट की जगह पे सी रिजल्ट आएगा, उस सी रिजल्ट करना जरूरी है, सी रिजल्ट करके आप लोग छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा सी रिजल्ट। आप सोचिएगा 40 गो 20 गो बना के छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, 40 के 40 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा और सी रिजल्ट करके छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम 3 बजे आपसे बोलेंगे कि जाके रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको फिर क्रोम में आना है, आस्क क्लास आपको लिखना है, और यहां पर टेस्ट रिजल्ट डाउनलोड सबसे ऊपर है, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आज 6 तारीख है ना, 6/6/2023 यहाँ पे लिखा रहेगा विज्ञान, और यहाँ पे डाउनलोड, तो डाउनलोड पे बस आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें आप लोग खोज लीजिएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दिए हैं। अगर आपको इतिहास का नोट्स डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है केवल, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, अगर डाउनलोड करना है तो इस वाले फोटो पे आपको क्लिक करना है,
जैसे फोटो पे आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, फोटो जो तीन आता है ना वो ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव नोट्स डाउनलोड करें फ्री में लिखा है ना, तो बस डाउनलोड करने के लिए फोटो पे क्लिक करें। अब आपको नीचे आना है, नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए, अब यहाँ पे लिखा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड दिए, डाउनलोड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, लोडिंग ले रहा है अभी, ये डाउनलोड करके दिखाएगा। देखिए अभी ये क्या हो गया बाबू, अपना डाउनलोड हो रहा है, अभी देखिए ये डाउनलोड हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब इसका एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस कम है, व्हाइट पे थोड़ा ब्राइटनेस कम रखा जाता है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे आपको आंसर के साथ बाबू मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है इसे डाउनलोड कर लेना है। जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउनलोड कर लीजिए, और जो जो बाबू पढ़ाने में बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मजा आया सर पढ़ने में, ठीक है, बहुत मजा हमको भी आया कहानी पढ़ के सुनाने में। ज्योति कुमारी, शिव कुमार, महिमा वत्स, ब्यूटी सर, शाम को त्रिकोणमिति पढ़ेगा, त्रिकोणमिति बाबू जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और 1 बजे दिन में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शाम को नहीं करेंगे, 1 बजे दिन में ही करेंगे। तो कल भर देखते हैं, आई एम मुस्लिम वेलकम है बाबू, सब किसी का यहाँ पे वेलकम है, ठीक है। पढ़िए आप लोग, बहुत ही मजा में पढ़िए, आप कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए, थैंक यू, इतना कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सुजीत रॉय। आप लोग बस पढ़िए, पढ़ के यहाँ पे सभी विषयों का पढ़ाई होगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई होगा, आप लोग पढ़िए बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। हीना खातून बहुत बढ़िया, हसनैन ब्यूटी, सुधांशु मिश्रा, और शाम में आप लोग जुड़िए 6 बजे, सामाजिक विज्ञान का 50 गो क्वेश्चन बताएंगे। कल बाबू बताए थे आपको विज्ञान का 50 गो क्वेश्चन, आज सामाजिक विज्ञान का बताएंगे 6 बजे, 6 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट 3 बजे आएगा, आप लोग जाके टेस्ट दीजिए, जो भी बच्चे नहीं दिए टेस्ट दिए तो आप लोग 3 बजे रिजल्ट अपना डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय। कहानी कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि 1 घंटा 16 मिनट में कहानी खत्म हुए। थैंक यू।